धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 व 31 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। साथ ही मैं वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए आपने पूर्व में 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, इस बार 1500 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। साथ में इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे पूर्व के भांसिया, सरपोटा और डूंगर बरंडा और कालीबाई, इनके लिए भी आपने शहीद स्मारक बनाने के लिए बजट में प्रावधान दिया है। साथ में आज इस राजस्थान की सर्वोच्च महापंचायत के अंदर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पर पक्ष और विपक्ष का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि आज आदिवासी जो इस देश के, जब कोई धर्म नहीं था, जब इस देश का नाम भारत नहीं था, संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, तब से रहता आ रहा है। अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई, जब भारत देश आज़ाद हुआ उससे पहले लड़ते आए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में मेवाड़ का इतिहास जब सामने आता है तो इतना गौरवशाली इतिहास है, जहाँ पर राणा प्रताप का नाम महाराणा पड़ता है तो वहाँ के भीलों की वजह से पड़ता है। इतने गौरवशाली इतिहास के अंदर भी हम लोगों का कदम कदम पर साथ रहा है देश की आज़ादी में। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारें आई गई, सबने आदिवासियों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया, लेकिन आज आदिवासियों की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आदिवासी धीरे धीरे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से धीरे धीरे हासे की ओर धकेले गया? करोड़ों का बजट आया लेकिन आदिवासियों की स्थिति वैसी की वैसी है। 5 जनवरी 2011 कैलाश बना महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों की हालत मजदूर जैसी बन गई है। आज वहां रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था के अंदर उनको धीरे धीरे पलायन करना पड़ता है, 100-200 के लिए इधर उधर तरसना पड़ता है। हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम लोग कभी पक्ष को कभी विपक्ष को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज इस मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे, आज भी आजादी के बाद में कुछ ऐसे गांव मौजूद होंगे जहां पर न तो टावर की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न अस्पताल होगा, लेकिन उसके बाद अनाम का अस्पताल होगा, कोई जंगल के अंदर जाने को तैयार नहीं होगा। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हम सबका क्या प्रयास होना चाहिए? उन आदिवासियों के आज मूलभूत सुविधा से मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। साथ में ये कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के लिए संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची का प्रावधान दिया गया है। मैं उससे पहले यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार आई गई लेकिन आदिवासियों के साथ में हमेशा धोखा हुआ, कुटारघात इस बात का हुआ कि हमेशा विकास के नाम पर आदिवासियों को इस्तेमाल किया गया। कभी राजस्थान के अंदर नारा तो जोर से चलता है, एक पेड़ माँ के नाम, तो दूसरी ओर हसदेव राजस्थान के नाम कर दिया गया। कोयले के नाम पर वहां से जंगलों को काटा गया, हजारों आदिवासी विस्थापित किए गए और आदिवासियों के वहां पर हाथियों का घर कहा जाता था। अध्यक्ष सभापति महोदय, आज वो हाथी गांवों में घूमते हैं। जो लोग उस जमीन पर रहते थे उस जमीन का कोई वहां पर रहने वालों को आता पता नहीं था। साथ में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ से नमन करता हूँ कि देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और पूरे देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन उनके नाम पर जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना गया तो 1200 गांव को विस्थापित होना पड़ा और उनके लिए आज कोई प्रावधान नहीं है, वो कहाँ रह रहे, किस स्थिति में रह रहे। कभी डैम बनाया गया तो डैम के नाम पर आदिवासी को विस्थापित किया गया, तो कभी खनन के नाम पर आदिवासी को वहां से विस्थापित किया गया, तो उनकी ऐसी स्थिति हुई, उस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सरकार यहाँ पर अंधी बैरी गुंगी होकर सुनती रहती है, आदिवासियों के नाम पर वोट बैंक लेने के लिए फोटो खिंचवा के आ जाएगी, आदिवासियों के सम्मान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन आज इस पीड़ा को समझेगा कौन? आज अखबारों के अंदर हम देखते हैं कि 6-6 महीने के नवजात को बेचा जाता है, तब इस बात को सोचना पड़ेगा कि अपने कलेजे के टुकड़े को कौन बेचना चाहता है? ऐसी क्या मजबूरी रही होती उस माँ बाप की जिसको अपने माँ बाप को उस बच्चे को बेचना पड़ता है? माननीय सभापति महोदय, मैं भी चुनाव के दौरान मंत्री जी के गांव और डाकन कोटर जैसे इलाके में गया था। मैं अखबारों में सुना करता था कि कभी अभी यहां पर बहन बेटी को आसपास के गुजरात जैसे क्षेत्र में बेचा जाता है, तो कभी सुना करता था कि ऐसा ऐसा यहां पर होता है, पानी की सुविधा नहीं है,
कोई बिजली की सुविधा नहीं है। जब उस इलाके के अंदर गया, मैं वास्तविकता में देखा कि आजादी तो भारत देश के लोगों को मिली, विकसित भारत के नाम पर भारत चांद पर पहुंचा, लेकिन आदिवासी आज वहीं का वहीं रह गया। उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में गंभीर विषय में सोचा नहीं था। और हम लोगों को गालियां देना बहुत आसान है हमारे बारे में। जब आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के, मेरे से बहुत बड़े बड़े सीनियर भी हैं, 5 बार 7 बार जीते हुए, वास्तविकता में उस इलाके में जाकर देखेंगे तो आज पानी के लिए तरसता आदिवासी, पढ़ाई के लिए तरसता आदिवासी, सड़कों के लिए तरसता आदिवासी, ऐसी स्थितियां हैं भयानक, जहां हॉस्पिटल के नाम पर तरसता आदिवासी। पर हम लोग कब सोचेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। साथ में 5वीं अनुसूची का अगर जिक्र करें तो संविधान के अंदर आदिवासियों के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। और 5वीं अनुसूची का अंदर प्रावधान है कि आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 13(3) कह के तहत न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, उसका पालन आज तक नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, राइट टू ओनरशिप और राइट टू गवर्नेंस, इसका मतलब कि हम आदिवासी का स्वशासन स्वयं करेंगे और आदिवासी के अंदर मालिकाना हक हमारा होगा। 5वीं अनुसूची के अंदर प्रावधान है, उन प्रावधानों को हमेशा सरकार ने कोई भी रही किसी ने कभी बात का जिक्र नहीं किया और उनको ताक पे रखकर आदिवासी क्षेत्र के अंदर घुसपैठ हुआ। आदिवासी के अंदर ग्राम सभा का प्रावधान है कि इसके अंदर इतने बड़े कानून लागू हैं कि हमारी ग्राम सभा के बिना परमिशन के कोई कलेक्टर भी अंदर पाव नहीं रख सकता, इतने बड़े। मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान की 5वीं अनुसूची बोल रही है और मैं 5वीं अनुसूची का जिक्र कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज बात करें 5वीं अनुसूची की, माननीय सभापति महोदय जब आपकी बारी आती है मैं चुप रहता हूं, तो मेरी बारी आए तो आप चुप रहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल 244 के अंदर जब हमारे देश के संविधान के अंदर इस तरह के प्रावधान है, हम लोग कहते हैं संविधान की रक्षा, कोई कह रहा हम करेंगे, कोई कह रहा तोड़ रहे हैं, तो 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू क्यों नहीं हुई? माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी के दूसरे सदस्य ने मुझे उनका भी टाइम दिया जाए, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बांसवाड़ा के अंदर, हमारे दरियावत के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ खनन के नाम पर जमीनों से आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है। दरियावत के अंदर भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम पर आज आदिवासियों के जमीनों से बेदखल करते, जमीन हमारी रे हम रहे, हमारी पुरखों की विरासत से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और उस जमीन से हमें बेदखल करना। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक ग्राम सभा का पावर है, एक पंचायत स्तर का पावर है, और एक हमारे इन पावर के माध्यम से NOC देता कौन है उन लोगों को खनन के नाम पर? अब हमको हमारी मिट्टी से उठाएगा तो हमें कैसा महसूस होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा कि आज के दिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ सदन में, और आज के दिन मानगढ़ धाम पर ऐतिहासिक आज महासम्मेलन हो रहा है। उस महासम्मेलन के अंदर 4 राज्यों के 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। 13 नवंबर 1913 के अंदर वहाँ पर गुरु गोविंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर 1500 से ज़्यादा आदिवासी अंग्रेजों के द्वारा गोलियों से चलनी कर दिए गए थे, और उनकी मांग थी कि हम आदिवासियों को हमारी संस्कृति, भाषा, परंपरा, बोली, रीति रिवाज के माध्यम से हमें बांट दिया गया। आदू को गुजरात बांटा, आदू को मध्य प्रदेश में बांटा, तो आदू को राजस्थान के अंदर बांटा। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपरा एक है, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम लोग बिल प्रदेश की मांग करते हैं, जिसको प्रस्ताव बनाकर आप केंद्र सरकार तक भेजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में नहीं बोली, आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, जब मैं बहुत जरूरी बात भी चर्चा कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, के आज हजारों पुरखों की विरासत है, उसके लिए हमारी मांग है। आज इस मांग को अगर आप पूरी करते हो, मैं किसी जाति के आधार पर नहीं मांग कर रहा हूँ, गुजराती के आधार पर गुजरात का नाम पड़ा, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र बनता है, तो पंजाबी के नाम पर पंजाब बनता है, तेलुगु के आधार पर तेलंगाना बनता है, तो बिली बोली के आधार पर बिल प्रदेश भी बन सकता है। और इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिल प्रदेश की मांग आप रखे जाए। मैं साथ में आप TSC विभाग के कुछ प्रावधान हैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा कि TSC विभाग हमको आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर मिला, 2 मिनट का समय लूंगा। इसके अंदर हम लोगों की समस्या क्या है वो आदिवासी समझ सकता है, उस इलाके के अंदर हम रहते हैं, तो फिर TSC का अध्यक्ष दूसरा क्यों हो सकता है? TSC का अध्यक्ष भी आदिवासी होना चाहिए।
साथ में ये कहना चाहूंगा कि टीएससी के अंदर जो प्रावधान है उसके साथ में भी कई बार माननीय सभापति महोदय में लास्ट में इतना ही कहूंगा, एक दो लाइन, जो 1931 के अंदर हमारे को धर्म कोड मिला हुआ था, प्रत्येक आदिवासी अलग था, 1951 में हमारा धर्म कोड था उसको खत्म किया गया। मैं लास्ट में दो एक लाइन से खत्म कर दूंगा, आदिवासी मेरा धर्म है, जोहार मेरा अभिवादन है, प्रकृति मेरी पूजा है, तीर कमान मेरी पहचान है, अम्बेडकर बिरसा मेरा स्वाभिमान है, बिल प्रदेश मेरा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मिला खड़िया।